आशीष विद्यार्थी डांगरिया जलकिया लगा हाथ चकुत मोहरा घूंघट के पटखोल मानने उरणी उठवा उरणी उठवा गरम This is looking good. अरे भाई शेफ, thank you so much. ये वो कलर देखो, देखो शेफ के आसपास से बना दिया, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। पातो दिया मास, मैं अकमान दोरी देखवाई दूँ। आशीष विद्यार्थी स्पेशल अकमान हेल्प। क्या बात है। शेफ अतुल लहकर डांगोरिया कोरी से पॉलिटिकल पाक घरों, पॉलिटिकल पाक घरों, पातुली अरुबा ये पातो दिया मास अकमान सर इसके साथ में शुरू करूंगा हाँ इसी के साथ शुरू करूंगा इसी के साथ शुरू करूंगा एक्सेलेंट कलर भाई साहब वाह जस्ट इमेजिन कांट बिलीव इट मैंने बनाया यार सर मेरा ये पॉलिटिकल शो सर कुकरी शो हो गया सर बहुत जरूरी है सर आपके साथ कुकरी शो हो गया नहीं सर वी आर टॉकिंग आइडियाज जी जी खाते खाते थोड़ा सा हाँ। तो आप बता रहे थे कि आप अगर आपका संघर्ष वाला दिन बॉम्बे में नहीं होता तो आप दक्षिण नहीं जाते जी हाँ सर दक्षिण जाके आप सफल हुए कैसा हुआ ओए होए 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 सर थोड़ा सा आप वाला एक्सप्रेशन आप वाला एक्सप्रेशन सर किलर वाला एक्सप्रेशन सर ये जोन में है एकदम हैं ये मामला जोन में ऑनेस्टली बोलो ऑनेस्टली क्योंकि क्या है इसमें जो हरियाली है इसके अंदर हरियाली का पूरा फील है एंड द टैंगीनेस ऑफ द नींबू मस्टर्ड लीफ सर इस टेंगा के साथ अभी रहना है सर आपको आगे जहाँ भी जाइए सर टेंगा आपके साथ रहेगा ये तो मुझे घर में बनाना नहीं है ये तो मुझे बनाना ही है भाई ओहो सर हाथ या चम्मच उंगली उंगली सर जो मैं लोगों को कहता हूँ आई कैरी माई ओन कटलरी मेरा अपना कटलरी लेके जाता हूँ कैसा लगा ऑनेस्ट वेरी गुड वेरी वेरी गुड हंसा के हाल होइसे अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं बताइए सर मुझे अगर खाना पसंद ना आए तो मैं नहीं खाता क्यों खाऊं भाई हाँ। मेरी जिंदगी है हाँ। मुझे जो अच्छा लगता खाऊंगा वही वही बात तो इसलिए बुरा ना माने ये मैं थोड़ा और लूंगा बहुत बढ़िया बात है बहुत हाँ दिस इज वेरी वेरी गुड शेफ इट्स ऑल माय सिग्नेचर रेसिपी आई जस्ट लव दिस Chef, this is, you know, it is so fresh, it is feeling light. And for the summer, it's fantastic. Oh! Usually, you know, in village and everybody eat that, you know, the cooking with the seasonal vegetable. So, our cuisine, is, why did this restaurant name called Heritage Korea? Because I pick all the heritage recipes. I chop here in the heritage recipes. Okay. It's very important. Sir, you actually believe ki सीजनल चीजों से बनानी बनाई हुई चीज वही बात हम लोग का जो आदत है इंडियन कुजीन और नॉर्थ ईस्ट कुजीन अच्छा ओन कैरेक्टर वो कैरेक्टर है सीजनल चेंज को एक शेप है ना पहले बारे सीजन को जा पकड़ना तो सीजन के हिसाब से बनाते हैं ये गजब का उन्होंने बनाया है सर अपने हाथों बनाए हुए चीज को तारीफ सर अपने से ही करना कोई बुरी बात नहीं है भाई क्योंकि पूछिए क्यों क्यों क्योंकि मेरा नाम क्या है विद्यार्थी exactly. सीखते रहते हैं तो विद्यार्थी अगर अच्छे गुरु से नहीं सीखेगा अच्छा तो क्या समझता तो ये है? आज सीख के गए जाके भाभी को बना के खिलाइएगा मैं इसको इसका मछली का वेरिएशन जरूर बनाऊंगा अच्छा सर हम बात कर रहे थे कि आप दक्षिण गए वहाँ सफल हुए लेकिन आपका संघर्ष खत्म नहीं हुआ अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा किसी भी फील्ड में ले लीजिए हम लोग अपनी जिंदगी को संघर्ष 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 बोल के अपने आप को थका देते हैं स्ट्रगल कर रहे हैं यार आप मुझे बताइए मैं अब 58 साल का हूँ जी अगर मैं कहूँ कि ऐसे आराम से चले जा रहे हो जा रहे ऐसा नहीं होता लाइफ में हमें हर रोज़ कुछ करना पड़ता है ठीक है ना ये भी आज इस मुकाम पर पहुँचे हर रोज़ इनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है आपको हर रोज़ काम करना पड़ता है तो आई डोंट यूज द टर्म स्ट्रगल आई यूज द टर्म दैट आई लिव ईच डे किसी दिन ये एहसास नहीं हुआ कि ये जो प्रोफेशन है इसको छोड़ दूसरा कोई करे अच्छी बात है आपको तो मैं बता रहा था ना कि एक शेफ और मेन में क्या समानता है तो मैंने कुछ साल पहले पता किया कि एज एन एक्टर हिंदी एक्टर इज वन रेसिपी ऑफ माइन हो सकता है एक टाइम आया कि जब हिंदी एक्टर रेसिपी नहीं बिक रही थी तब मैं साउथ एक्टर बना एक और रेसिपी क्रिएट की मेरे ही इंग्रेडिएंट्स उसके बाद अगर आप देखें अराउंड
2003 मैं मेरे अंदर जो इंग्रेडिएंट्स थे उसी में से मैंने एक और रेसिपी बनाई मोटिवेशनल स्पीकर. तो 2003 से मैंने अपनी कंपनी बनाई आशीष विद्यार्थी एंड एसोसिएट एविड माइनर के साथ. मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमता हूँ. आज भी इसके बाद मैं जाके एक इवेंट लीड करूँगा. सो आई डू मोटिवेशनल टॉक्स. सर ससुराल आए हैं मतलब बिजनेस साथ में लेके घूम रहे हैं. तो ये ऑनलाइन इवेंट है इसलिए यही से कर दे रहा हूं. ये गलत बात है. अच्छा एक बात बताइए काम करने से कभी मत कतराइए. नहीं कतरा ना ये फिर भी सर भाई साहब सर ये घर में सबको बता के चलिए कि जो घर चलता है काम से चलता है जी. इसलिए शाम काम करने से कभी मत कतराइए. और बाय द वे एज एन एक्टर हम लोगों का सैटरडे संडे दिवाली ईद कुछ नहीं होता. हम लोग किसी भी दिन काम करते हैं जी. मैं अपने द डे माई फादर वॉज बींग क्रिमेटेड आई वॉज वर्किंग दैट डे. क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर थे इतने बड़े नहीं थे कि मैं उनका काम छोड़ के आता वो कोलैप्स हो जाता. तो ऑल दैट आई एम सेइंग इज दीस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन टू अ प्रोफेशनल एक्टर. आपको ऑन द मोस्ट ट्राइंग डेज यू मे नीड टू वर्क. एज लॉन्ग एज यू कैन रिस्पेक्ट वर्क लाइफ विल बी यू आर ग्रेटफुल टू लाइफ. सर आप कह रहे थे कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने. ओ टी टी प्लेटफॉर्म आपको कितना हेल्प किया. बहुत. ओ टी टी प्लेटफॉर्म ने क्या किया इट हैज ओपन्ड अप द वर्ल्ड. यहाँ पर लोगों को सडनली लगा कि और मैं आपको खासकर बताता हूँ मेरे जैसे एक्टर मेरे जैसे न जाने कितने एक्टर्स टेक्नीशियंस डायरेक्टर्स हम लोगों को चैलेंजिंग रोल्स मिलने लगे. और उस वजह से आई रियली थिंक दैट ओ टी टी इज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी स्पेस जहाँ पर लोग अपने घर में बैठ कर अपने चॉइस की चीज़ देख पाते हैं और हमारे जैसे एक्टर्स ऐसे रोल्स कर पाते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. आई हैड सम 8 रिलीजेज लास्ट ईयर. इस साल भी और 4 रिलीज इसी साल और होने वाले हैं. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी. सर कौन सा सर अभी कौन सा चीज़ दाल दाल कर दीजिए भाई. हाँ ये है बात. और मैं माफ़ी चाहूँगा मैं कम चीज़ें खाता हूँ कम खाता हूँ लेकिन मज़ा आता है. मज़ा. और मैं आपके यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ आज भी बता रहा हूँ. वेरी हैप्पी टू टेल यू यू मेंटेन योर क्वालिटी. ओके एंड दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अ प्रोफेशनल. चाहे आप पॉलिटिक्स कह लें लीडरशिप कह लें जी द नीड जी टू मेंटेन योर एक्सीलेंस. सर देश में अब घट रही कौन सा चीज़ आपको दुखाती है उनको आपको दुखाती है बहुत सारी. जैसे अब सुनिए अब जैसे ही आपने ऐसी बात कही तो बहुत सारी चीज़ें दुख होता है बहुत ज़्यादा. तब क्या होता है दुनिया हमारी लाइफ कॉन्वर्सेशन उधर चली गई. आप अगर मुझे पूछे देश में अच्छी चीज़ मुझे क्या वो भी पूछने वाला नहीं आप समझ रहे मेरी बात वो भी पूछने तो देश में अगर मैं आप बैठ जाऊँ मुझे क्या क्या बुरा लगा है जी. आपने क्योंकि उससे शुरुआत की मैं रात तक मैं बोलता हूँ क्या ये चीज़ बुरा लगा. आप मुझे शुरू करिए कि देश में क्या क्या अच्छा लग रहा है सचमुच मैं रात तक बैठा रहूंगा बताऊंगा क्या. तो आई पर्सनली टेल यू समथिंग लेट अस नॉट ट्रिक आवरसेल्फ. और ये किसी भी युग में बात कर रहा हूँ मैं. लेट अस नॉट ट्रिक वर्ल्ड में क्या बुरा चल रहा है. अगर आप मुझे बोले मैं कल तक बता दूंगा क्या बुरा चल रहा है. आई डोंट लुक एट इट एंड आई एम टेलिंग यू आई एम वेरी वेरी स्ट्रेट अबाउट इट. बुरी चीज़ तो हो ही रही है पूरे वर्ल्ड में हो रही है हमारे देश में हो रही है हर जगह हो रही है. लेकिन आई कीप लुकिंग एट अमेजिंग क्या हो रहा है एंड आई एम वेरी वेरी एरियल अबाउट इट. मैं कहता हूँ कि बॉस मैं उस टनल पे नहीं घुसने वाला जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता. व्हाट आई कैन डू इज कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं आई टॉक अबाउट दैट. क्योंकि अच्छी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में हो रही हैं हमारे वर्ल्ड में हो रही है इस सिटी में हो रही है इस राज्य में हो रही है हर जगह पर. तो आई रिफ्यूज टू इवन गो. जैसे कहते हैं लोग बॉलीवुड में आप बताइए क्या चीज़ बुरी लगी. रात तक आपको बैठा रहूँगा बुरी चीज़ बताऊँगा.